कोई गैर नहीं है। बोले और तो पार्वती गोपी से बोली, ये है गणपति की बहोरिया, मानो तो सही। पार्वती बोली, गोपी कोई गैर ना है। कौन है? बोले हमारा लड़का गणेश है ना, उनकी पत्नी है। गोपी बोली, जब बताओ पार्वती लला की शादी कर रही? बोले हाँ। अब यही कर रही है, ज्यादा दिन ना है भाई। बोली कुछ दिन पहले अपने लला की हमने करी सगाई, गोरी गोरी लंबी लंबी, गोरी गोरी लंबी लंबी बहुत घर में आई सूरी पड़ी थी तेरी दरिया, मानो तो सही तेरी गणपति की बहोरिया, मानो तो सही मेरी गणपति की बहोरिया, मानो तो सही। गोपी मैंने गणेश जी की शादी कर ली। गोपी कहने लगी, पार्वती शादी तो तुमने कर ली, लेकिन बहू अपने उसे तगड़ी ढूंढ ली, बहुत हड्डी कट्टी है। बोली कर ली शादी अपने लला की, खबर लौना है पथवा, शादी कर ली तुमने, लेकिन कर ली शादी अपने लला की, खबर लौना है पथवाई। एक काम करो पार्वती, का घूंघट ले का हटा लो, एक काम करो आर घूंघट ले का हटा ले गोरी, कैसी बहुवर आई कभी गणपति की बहोरिया, मानो तो सही मेरी गणपति की बहोरिया, मानो तो सही शादी कर ली, खबर अब ना दे जी। कोई बात ना है, बहू बहुत तगड़ी है, अच्छी है, सुशील है, सुलज है और लंबी फरारी है, और कोई बात नहीं। एक काम करो, जो मुंह दिखाई दे, जो मुंह कैसो है, अब मुंह हो तब तो दिखाई दे, वो तो पूरा मोड़ो हतो दिखाई का दे। बोले बाबा, बोले पार्वती, अगर जो घूंघट जाने का तरीका